हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम क्या होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हमने आपको चैप्टर शुरू किया था जल संसाधन वाटर रिसोर्स, इसमें हमने कुछ चीज़ें बताया था कि जो पीने योग्य है मिठाई नीर पानी कितना था, 2.5%, और नमकीन नीर पानी एकदम लगे पियला वो थू 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 कर नीरू पानी कितना था, 97.5% पाया जाता है। हमने बताया था सबसे ज़्यादा पठार कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की जो एरिया है, जो वहाँ का क्षेत्र है, वो पठारी है। पठारी होने की वजह से बरसात होती है, लेकिन पठारी ऊबड़ खाबड़ है तो पानी क्या होता है, नदियों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, जिससे पानी की दिक्कत होती है। इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी के रोकने के लिए, पानी को अस्थायी करने के लिए कुछ समय तक वहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तालाबों की खुदाई करते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में तालाब की मात्रा बहुत ही क्या है, ज़्यादा। चलिए आज हम अगली एडिंग देखेंगे, जल दुर्लभता। आपका चैप्टर चल रहा था विद्यार्थी जल संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जल संसाधन। देखिए इसमें अगली हेडिंग हम देखेंगे जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, ठीक है, जल दुर्लभता से तात्पर्य क्या है हमारे प्यार बच्चों, कि जहाँ पे जल दुर्लभता का मतलब जल का मिलना बहुत ही क्या है, कठिन है। कहीं कहीं क्या होता है कि पानी का बड़ा अभाव देखने को मिलता है, जैसे हम देखेंगे अपने ही देश में मुंबई की, महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पहले क्या होता था कि महाराष्ट्र के जो बच्चे होते थे वर्धा क्षेत्र के एरिया में, पानी की बड़ी ही कमी थी, 4 4 किलोमीटर 5 5 किलोमीटर ऊपर ठेली ले लेते थे, ऐसे चले जाते थे पानी लाने के लिए, जाने आने में 2 2 घंटा 1 1 घंटा लग जाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी क्या हो जाती थी, बाधित हो जाती थी। तो जल दुर्लभता का तात्पर्य कि मुख्य रूप से पानी का क्या होगा, अभाव होगा। जहाँ पे पानी कमी होगी इसका मतलब वहाँ मुख्य रूप से क्या दर्शा रहा है, जल की दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब होता है जिस चीज को मिलने में बहुत ही क्या हो, कठिनाई हो, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह सकते हैं, जल की मांग, मांग का मतलब किसी चीज की क्या होना, आवश्यकता होना, क्या बता, जल की मांग की तुलना में जल की कमी कमी ही जल दुर्लभता कहलाएगी। क्या कहलाएगी विद्यार्थी, जल की कमी ही क्या कहलाएगी, जल दुर्लभता। जल की मांग की तुलना मतलब जितना हमको जल चाहिए, जितने हमें जल की आवश्यकता है, लेकिन उतना हमको जल नहीं मिल पा रहा है, तो वही क्या कहलाएगी, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता समझ में आ गया, जब भी प्रश्न आएगा तो वन लाइनर या अति लघु उत्तर में प्रश्न आता है कि जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, जहाँ पे हमें जल की आवश्यकता है लेकिन वहां पे हमें जल नहीं मिल पा रहा है, तो वही क्या कहलाएगी, जल दुर्लभता, क्या कहलाएगा, जल दुर्लभता। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, देखिए जल दुर्लभता के बाद विद्यार्थी अगली हेडिंग को हम देखेंगे, जल दुर्लभता के बाद आपके सोशल साइंस में अगली हेडिंग क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जल की कमी के कारण, जल की कमी के कारण, जल की कमी के कारण देख क्यों जल कम हो रहा है, हमारे यहाँ जल की कमी का मुख्य कारण क्या है, जल पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 71% तक सागर 29% पे ही स्थल है, लेकिन इसके कारण क्या है मुख्य रूप से, तो जल का असमान वितरण, जल का क्या करना, असमान वितरण। असमान वितरण का तात्पर्य कि जल को बिना मात्रा बिना वजह का हम वितरण करते हैं, बांटते रहते हैं। जैसे असमान का मतलब कि आप देखते हैं गांव में, छोड़ दे सब चीज, अब हम लोग गांव से रिलेटेड है कि जब हम लोग का समय आ जाता है धान की बुवाई, धान की रोपाई करने के बाद जब धान में पानी की आवश्यकता होती है, तो जिस व्यक्ति के पास अपना पर्सनल नलकूप होता है, ट्यूबवेल होता है, जब वहाँ पे अन्य व्यक्ति का बगल में ही उसका धान में पानी की आवश्यकता है, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, अपने धान में एक नाक पानी भर ले, नाक का मतलब पूरा भर ले, डूढ़ुआ भर पानी भर ले, फिर वो मांगे जाएगा दूसरा व्यक्ति, वेतन पनिया दे दिया, वहाँ जरूरत था धनवा, फिर भी कहेगा भैया हम खाए हमको पानी रंगा होके उत्तर मन पनिया कम मांगल। सोचिए जहाँ पे जिस मतलब बिना मतलब का जल असमान वितरण, उसको दे देना चाहिए उस व्यक्ति का काम चले, लेकिन जल अपने में बिना मतलब का भर पूरा को नकिया ऊपर कपड़ा भर दा, धनवा डूब जा, तुम लोग को धनवा ढेर हो है कि नहीं, तो यही चीज कह रहा है कि जल का क्या करेंगे, असमान वितरण, ठीक है। अगला, अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अत्यधिक जनसंख्या के कारण,
अगला क्या कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या हो जाना भी जल की कमी का कारण है। क्यों? कि जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो खाने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए भी चाहिए, है कि हर जगह उसको चाहिए अलग से। तो जनसंख्या का आवश्यकता से ज्यादा होना भी किसी कमी, विद्यार्थी, जल की कमी है। तो लिमिट जनसंख्या होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या हम देख रहे हैं कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 लिस्ट में झंडा फहरा हो कि हमारी जनसंख्या क्या है, पूरे दुनिया में नंबर 1 है। जनसंख्या ज्यादा न हो तो ही बेहतर। जिस देश में जनसंख्या कम होगी उस देश की आबादी भी अच्छा खासा होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, अच्छा ज्यादा होगा। अगला चलिएगा, तीसरी, बढ़ती औद्योगिकरण, औद्योगिकी करण। क्यों जी? बढ़ती औद्योगिकरण। बढ़ती औद्योगिकरण का मतलब मुख्य रूप से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कारखानों का लगना। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो कारखाना लगाना ही पड़ेगा ना। जनसंख्या जब ज्यादा है तो लोगों को खाने की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, अधिक से अधिक काम भी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, कारखानों का निर्माण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कारखाना बनाएंगे। जब आप कारखाना बनाएंगे तो आप जानते ही, कारखानों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब ज्यादा ज्यादा कारखाना होंगे तो जल की आवश्यकता होगी, तो जल की कमी देखने को मिलेगी। जल की कमी क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। ये थी जल की कमी के कारण। जल का बिना मतलब का वितरण मत कीजिए, जितनी आवश्यकता उतना लिमिट वितरण कीजिए। जनसंख्या को लिमिट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा जनसंख्या होगा तो मुख्य रूप से प्रभावित करेगा जल को, और ज्यादा से ज्यादा जब कारखाने लगेंगे तो जल की ज्यादा से ज्यादा खपत होगी, ज्यादा से ज्यादा जल लगेगा, तो जल की कमी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है विद्यार्थी, आइएगा अगली हेडिंग पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए जब हम चले जाएंगे एक साइड, हम बार बार आपको नो कहें। ठीक है, आइए अगली हेडिंग देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, अगला बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या होती है? ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य तात्पर्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में नई नई परियोजनाएं लाई गई। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य तात्पर्य है कि बांधों पे क्या करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं। अब बिजली का जब निर्माण करेंगे तो बिजली की आवश्यकता सबको, बल्ब सबको मानना, इतो ना कि अन्हारे खाना पक जाए। अन्हारे पके खाना, एक दिन देख रहा लाइन ना आए घर में तो पूरा लई की मार हो जाए घर में, कि नहीं कान बनो ला खाली थरियाओ तो कसे के चाहता है, कि अलग अलग चीजें ना। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना मुख्य रूप से भारत में कब शुरू हुई, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या शुरू हुई विद्यार्थी, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। कब शुरू हुई बहुउद्देशीय नदी परियोजना? इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, नदी की जल को संग्रहित का मतलब इकट्ठा इकट्ठा उठा लाला कपड़ा पर नदी का जल, ऐसे नहीं बाबू ना, नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रयोग करना। जल संसाधनों का समुचित उपयोग करना। ठीक है विद्यार्थी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, पीएम नेहरू ने, पीएम चलिए तो हम आपको बता रहे थे जल संसाधन के बारे में बताएं, उसके बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना हमने बताया कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना मुख्य रूप से कब बनी थी, स्वतंत्रता के बाद बनी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, नदी के जल को क्या करना, संग्रहित करके उसका समुचित उपयोग करना है। जल को हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने की मदद होने की, इकट्ठा करके लगनी मछली मारे, ऐसा करेंगे मछली मारेंगे कि मछली मार के जल जल का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि नदी के जल को संग्रहित करने, मतलब इकट्ठा कर लें और फिर जल संसाधन यानी मुख्य रूप से जल इकट्ठा हो जाए तो जल का हम समुचित उपयोग करें। जैसे बांध बनाने में उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई करने में उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े कारखानों में क्या कर सकते हैं, नदियों का यूज कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में नदियों का यूज कर सकते हैं। और इसी बहुउद्देश्य नदी परियोजना को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसे क्या कहा था बाबू, बताएंगे? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसे मुख्य रूप से कहा था कि यह क्या है, भारत का आधुनिक मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक आधुनिक भारत का
मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। तो ये चीजें थी। बहुउद्देशी नदी परियोजना क्या है ये पूछेगा, तो बहुउद्देशी नदी परियोजना का निर्माण मुख्य रूप से क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद किया गया था, ठीक है। यह नदी के जल को संग्रहित करता, इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, नदी का जल का सही उपयोग करना, कारखानों में बिजली घर बनाने में, बिजली बनाने में, सिंचाई में क्या करना, इसका उपयोग करना। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उस समय जो हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसे कहा था, बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से, अब आगे हम एक एक परियोजनाओं के बारे में देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे विद्यार्थी मुख्य रूप से क्या देखें, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा करें एक एक भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में एक एक चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। पहला परियोजना देखें भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्य रूप से, तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, यह क्या है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। कौन बाबू, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ की भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए कहाँ कहाँ पे, पंजाब हिंदी में लिख दे रहे हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कौन कौन राज्यों में गए बाबू, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य में गए, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त प्रयास से, चारों राज्य मिलकर संयुक्त प्रयास से इसकी स्थापना कब हुई, 1963 में, कब हुई, 1963 में, वर्ष 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले, पंजाब के रोपड़ जिले में निर्मित की गई, ठीक है बाबू। कहाँ निर्मित की, पंजाब के रोपड़ जिले में, कौन से जिले, रोपड़ जिले में। यह परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पे निर्मित है, तो यह परियोजना सतलुज नदी पे निर्मित है, सतलुज नदी पर निर्मित, किस नदी पे निर्मित है, सतलुज नदी पे, किस नदी पे निर्मित विद्यार्थी, सतलुज नदी पे निर्मित है, ठीक है। अगला चीज देखेंगे, यह भारत का सबसे ऊंचा द्वितीय बांध है, कौथा बांध है, द्वितीय बांध, कौथा दूसरे नंबर पे बांध में आएगा। अगला चीज, इसका जल कहाँ इकट्ठा होता है, तो गोविंद सागर, जो भाखड़ा नांगल परियोजना का जल है गोविंद सागर जलाशय में इकट्ठा होता है, जलाशय में इकट्ठा। तो ये चीज थी भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिए हमारे प्यारे बहादुर बच्चे, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना की पहली देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, यह मुख्य रूप से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। मुख्य रूप से चार राज्यों से मिलकर जाती है, मतलब चार राज्यों में इसका विस्तार है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ कौन है, हिमाचल प्रदेश, ये चारों राज्यों ने आपस में मिलकर इस परियोजना का निर्माण 1963 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1963 ईस्वी में, और किस जिले में, तो मुख्य 1963 ईस्वी में संयुक्त रूप से पंजाब के रोपड़ जिले में इसकी स्थापना की गई
ठीक है। इस मुख्य रूप से किस नदी पे बना हुआ यह बांध, किस नदी बना हुआ, सतलुज नदी पे इस बांध को निर्मित किया गया है। यह भारत का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है। इसके जल को इकट्ठा करने का काम, मतलब जो भाखड़ा नांगल पूर्णिया का जल का इकट्ठा होता है, तो गोविंद सागर जलाशय में, किस जलाशय में विद्यार्थी, गोविंद सागर जलाशय में, ठीक है। तो यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे बड़ी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, चार राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, चारों के प्रयास से 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चीजें आपको एकदम बढ़िया से याद कर जाइए। और कहाँ इसका जल एकत्रित होता है, तो पोंग जलाशय में, किस जलाशय में बाबू, नहीं गोविंद सागर जलाशय में, किस जलाशय में इसका इकट्ठा होता है, गोविंद सागर जलाशय में। तो ये था पहला परियोजना को हमने कर दिया खत्म। अब हम आगे चलेंगे दूसरी परियोजना के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, बार बार ना कहना पड़े हमें, ठीक है। चलिए हाँ ये बाबू, दूसरा परियोजना हम देखेंगे मुख्य रूप से दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी परियोजना हमारे प्यारे बहादुर बच्चे, दूसरी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से हुगली नदी के सहायक, किस नदी के सहायक, हुगली नदी, हुगली नदी पे निर्मित है, ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी पे निर्मित कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना, किस नदी पे, हुगली नदी, किस नदी पे, हुगली नदी पे निर्मित, ठीक है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी क्या विद्यार्थी, परियोजना, ठीक है। किस नदी पे, हुगली नदी पे, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, इसे हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक, याद रहे, पूछता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, किस नदी को, दामोदर नदी, बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको विस्तार थोड़ा करने के लिए 1948 में बनाया गया डीवीसी, क्या बनाया गया, दामोदर घाटी, घाटी समोसा वाला घाटी नहीं ना, दामोदर घाटी निगम, जो DVC, ठीक है। तो मुख्य रूप से 1948 में दामोदर घाटी निगम इसलिए बनाया गया था कि थोड़ा सा जो हमारा दामोदर घाटी परियोजना, इसको और ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर सके, ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होगा, लोगों तक लाभ पहुंचेगा। तो लोगों तक ज्यादा से विस्तारित करने के लिए कौन सी चीज की स्थापना हुई थी, दामोदर घाटी निगम की, कब हुई थी, 1948 में, कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। यह भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना है, यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना, कौन सी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखिए इसका महत्व देखेंगे, तो यह महत्व का मतलब क्या, सारा महत्व, कितना बिजली का उत्पादन करती है, तो 6600 मेगावाट, 6600 मेगावाट क्या करती है, उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, खाना, बिजली, क्या उत्पन्न करेगी, बिजली। तो ये था आपका दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, देखिए याद हो जाएगा अभी बढ़िया से। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे, हुगली नदी पे, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे विद्यार्थी, हुगली नदी पे। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरी विश्व की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरी परियोजना, ठीक है। इसे बंगाल का क्या कहते हैं, शोक, इसको विस्तार करने के लिए क्या बना गया, दामोदर घाटी निगम, कब बना था, 1948 में, कब बना था, 1948 में, ठीक है। इसे भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, दामोदर घाटी परियोजना को। ये कितना बिजली उत्पन्न करती है, तो 6600 मेगावाट, कितना मेगावाट, 6600 मेगावाट, कितना वाट विद्यार्थी, 6600 मेगावाट। चलिए अब स्तर बताइएगा, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे, हुगली नदी पे, किस नदी पे, हुगली नदी पे। विश्व की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरी चौथी सबसे बड़ी परियोजना, दूसरी है। इसे बंगाल का क्या कहते हैं, शोक, शोक का मतलब रोते हैं लोग ना, कभी कोई इतना बुनी पड़ जाले पूरा बंगाल के लेकर धो धो दे, धो का मतलब नहा ना दे, मारे कि बंगाल के जितना आदमी अगल बगल बसों में, अगर पूरा आदमी का हो जाए छिटा जी, छिटाइला का मतलब सब लोग का हो जाएंगे, चौपट से घर द्वार कुल बह हो जाए, तो शोक हो जाएगा, दुख की बात है। तो इसलिए बंगाल का इसे क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, ठीक है। इसके विस्तार करने के लिए, तो कब मतलब इसको थोड़ा सा और विस्तारित किया जाए, तो इसके लिए क्या बना था, डीवीसी, दामोदर घाटी निगम, कब बना था बाबू, 1948 में, कब बना था हमारे प्यारे बहादुर बच्चे, 1948 में। यह भारत की चौथी
नदी घाटी परियोजना प्रथम कौथी है प्रथम, कितना बिजली का उत्पादन होता है 6600 मेगावाट, कितना मेगावाट 6600 मेगावाट। तो ये हो गया आपका दूसरा भी परियोजना कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे, आइए अगले देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा आपका बाबू देखेंगे हीरा कुंड परियोजना, हीरा कुंड परियोजना। हीरा कुंड परियोजना बहुत ही आसान है। हीरा कुंड परियोजना मुख्य रूप से कहाँ पे, उड़ीसा। खबर लो कि हिंदी में लिखा हो अंग्रेजी में लिखा हो, कहाँ पे, उड़ीसा में। किस नदी पे, तो उड़ीसा में महानदी। कौन सी नदी बाबू, महानदी का नाम है ठीक है। किस स्थान पे, हीरा कुंड नामक स्थान पे, हीरा कुंड नामक स्थान पर कहाँ पे, हीरा कुंड नामक स्थान पे ठीक है। इस नदी पे तीन बांध, यही पूछता है। इस हीरा कुंड नदी पे कितने बांध है, इस पे बांध कितने है, तो तीन बांध ये पूछता है परीक्षा में। तीतरा गजब नाम है, हीरा कुंड तिकरा पारा नाराज, हीरा कुंड तिकरा पारा और नाराज। वो नाराज नहीं, लोग नाराज होते हैं, हम तो सुना बोलो कट्टी लेला ऐसे मिट्टी लेबा की कट्टी लेबा, वो दूसरा नाराज होला ठीक है ना। आइए तीन नाराज, तो ये देखिए इसमें बस इतना ही चीजें एकदम आसान है। हीरा कुंड परियोजना एकदम आसान, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। हीरा कुंड किस पर राज्य में, उड़ीसा राज्य में। किस नदी पे, महानदी पे। किस नदी पे, महानदी पे। ये कहाँ पे महानदी पड़ेगा, तो एग्जैक्ट हीरा कुंड नामक एक स्थान है, एक जगह है वहां पे पड़ता है ना। इसमें कितने बांध है, तो तीन बांध है, हीरा कुंड तिकरा पारा और नाराज। कितने बांध है, तीन बांध है। और हमें देखा तीन गो नहर भी है, गंगा नहरिया ना बाबू, छोटे छोटे तीन थे नहर भी है। देखिए तीन नहर का, बेरगढ़ सोसंब और संभलपुर। बीरगढ़ सम्भ और संभलपुर, कौनपुर, संभलपुर ठीक है। तो कितने नहर है, तीन, बीरगढ़ सम्भ और संभलपुर, बीरगढ़ सम्भ और संभलपुर, बीरगढ़ सम्भ और संभलपुर, याद हो गया होगा। हीराकुंड परियोजना बिना देखे बताइए, किस नदी पे, उड़ीसा नदी पे। किस राज्य में, ओडिशा राज्य में। किस राज्य में, ओडिशा राज्य में। किस नदी पे, महानदी पे। किस नदी पे, महानदी पे। इसमें कितने बांध है, तीन, कौन कौन, हीराकुंड तिकरा पारा नाराज, हीराकुंड तिकरा पारा नाराज। कितनी नदियां हैं, मुख्य कितने नहरें हैं, मुख्य बेरगढ़ ससम और संभलपुर, बेरगढ़ ससम और संभलपुर। तो ये था आपका तीसरा परियोजना ठीक है। परियोजना ध्यान है, परीक्षा में आते हैं आप लोगों के ठीक है, तो मिटा दें। चलिए अब हम चलेंगे अगली परियोजना पे, परियोजना नंबर चार इकाई ठीक है, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना एकदम इम्पोर्टेंट, कहें कि यूपी की है परियोजना, परीक्षा भी यूपी में है, यूपी बोर्ड, याद रहे बाबू लोग। रिहंद बांध परियोजना ठीक है, इससे उत्तर प्रदेश का गौरव माना जाता, पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का गौरव। गौरव नाम है नहीं, उत्तर प्रदेश में, मतलब ये परियोजना रिहंद बांध परियोजना को उत्तर प्रदेश का गौरव इसलिए माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा बड़ा है ठीक है। अगला लिखेगा, इस गोविंद पंत, क्या कहते हैं विद्यार्थी, इसे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, दूगो का नाम, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, सागर परियोजना तथा रेणुका, क्या कहते हैं इसे, रेणुका बहुउद्देश्य परियोजना भी कहते हैं, रेणुका बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। अगला इसके बारे में समझेंगे प्यारे बहादुर लोग, यह यूपी की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। किसकी, यूपी की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना।
कई गुहाई सो, लेकिन यूपी का सबसे बढ़िया एकमात्र परियोजना, ठीक है, ये कब कंप्लीट हो गया कार्य इसका? 1966 में पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, क्या पूर्ण हुआ? परियोजना का कार्य, ठीक है। इस सोन नदी की सहायक नदी, यह नदी पे बनी हुई है, कहाँ बनी है? सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित, किस पे निर्मित विद्यार्थी? रिहंद नदी पे निर्मित की गई, ठीक है। अब देखिए अगला, यूपी के सोनभद्र जनपद के, लास्ट है इसका पॉइंट, यूपी के सोनभद्र जिले के पिपरी, कौन गांव हुआ वो? पिपरी नामक स्थान पे, पिपरी नामक स्थान पर है, पिपरी नामक स्थान हाय पिपरी ना, तो उन लोग पिपरी, ठीक है ना। उपयोग, मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं मुगल सराय तथा गोवा, नहीं, गया। ये हो गया आपका समाप्त। रिहंद बांध परियोजना को उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह परियोजना बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का गौरव कहते हैं। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है तथा तो इसे रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इसका अलग अलग नाम है प्यारे बच्चे, इसलिए इसका अलग अलग नाम दिया गया। जैसे आपका नाम भी, एक व्यक्ति का नाम राम है तो राम खटमीठा वाह, अचारा वाह, है कि नहीं, मंगरुआ, सोमरुआ, कई गो नाम रख, इसीलिए दो तीन छह नाम। रिहंद बाग कई गो नाम है? तीन गो। रिहंद बाग परियोजना को उत्तर प्रदेश का गौरव भी कहते हैं, बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं, रेणुका परियोजना भी कहते हैं। अब उसके बाद देखा, यह यूपी की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। यूपी कितने मात्र? एकमात्र। इसका काम कंप्लीट कब हुआ? 1966 में। कब कंप्लीट हुआ? 1966 में। इस सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पे, एकर मतलब सोन नदी या ओकर सहायक नदी, मतलब उसमें जाकर कौन सी नदी जुड़ी हुई है? रिहंद नदी। जैसे एगो बड़ नदी जाती है, बड़ नदी खूब जाती है, ओमे जाके दूसर नदी जुट गई तो ओकर सहायता कर लगल, ओकर संगे बहे लगल, तो सोन नदी की सहायक नदी जो उसका सहयोग करती है, रिहंद नदी पे बांध बना। याद रहे, पूछेगा रिहंद बांध किस पे बना हुआ है तो किसे बताएंगे? सोन नदी की सहायक रिहंद पे, किसकी? रिहंद पे। पूछेगा किसकी सहायक है, तब बताएंगे सोन की सहायक, ठीक है। यूपी में कहाँ पे है? तो यूपी का सोनभद्र जिला, देखिए मिर्जापुर बनारस के बगल में है सोनभद्र जिला, तो सोनभद्र जिला कौन सा स्थान है? पिपरी नामक स्थान पे, जैसे मन कर पिपरी स्टेशन ई ना, इस जगह ये बनल, चलिए देखिए सजित कलम, पिपरी डी है वो पिपरी नामक स्थान पे बनी हुई है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो इसे बिजली बनता है, तो दो शहर ज्यादा कहता है, एक मुगल सराय और एक गया। मुगल सराय का संबंध यूपी से है और गया का संबंध तो आप जानते हैं बिहार से है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। याद हो गया उत्तर प्रदेश का गौरव किसे कहेंगे? रिहंद बांध परियोजना किस की सहायक नदी पे, क्यों, कहाँ पे बनी हुई? तो सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पे बनी हुई है। और बताया गया मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। एग्जैक्ट स्थान कौन सा? पिपरी नामक स्थान पे। कब कार्य कंप्लीट हुआ? 1966 में कंप्लीट हुआ। इसका बिजली का उपयोग करने वाले दो शहर कौन है? गया और मुगल सराय। चलिए ये था आपका, याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइएगा अगला चलते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी पांचवा पॉइंट देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना कौन सी परियोजना विद्यार्थी? टिहरी बांध परियोजना। अब देखें मुख्य रूप से परियोजना कहां पे? उत्तराखंड में। इस परियोजना का संबंध कहां से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा जिला है? उत्तराखंड के टिहरी जिला। उत्तराखंड में टिहरी जिला कौन सा जिला है? उत्तराखंड का कौन सा जिला विद्यार्थी? टिहरी जिला में ना। कौन कौन नदी के संगम पे है? तो यह भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पे निर्मित है। किस किस नदी के संगम पे निर्मित है? भागीरथी तथा भिलंगना, दो गो नदी है, इस नदी के संगम पे क्या हो बना ले? यह विश्व का पांचवा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह विश्व का पांचवा
तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का पांचवा तथा भारत का क्या विद्यार्थी सबसे ऊंचा बांध है। इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1994 से 1994 में कार्य प्रारंभ, और कब से कार्यरत है? कार्यरत 2006 में। कब से विद्यार्थी? 2006 में। महत्व तो देखेंगे इसका, मुख्य रूप से महत्व तो क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो महत्व तो देखिएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में, तो ये जल विद्युत का निर्माण करता है, जल विद्युत का निर्माण किसका निर्माण करेगा? जल विद्युत का, यानी बिजली बनाने का काम सारा परियोजना ही करेंगे। इसमें मुख्य रूप से तीन विद्युत जल संयंत्र है, तो कितने इसमें निर्मित है? तीन जल विद्युत संयंत्र, कितने? तीन जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कौन, तो यही पूछता है, टिहरी, कौन नाम है इसका? टिहरी, कौन सा नाम बाबू? टिहरी बांध, टिहरी बांध एवं जल विद्युत, टिहरी बांध एवं विद्यार्थी जल विद्युत जल संयंत्र, विद्युत जल संयंत्र है, गैप हो गया। ठीक है, टिहरी बांध एवं विद्युत जल संयंत्र, विद्युत जल संयंत्र। ठीक है, अब देख कितना मेगावाट उत्पन्न करता है बिजली, तो 1000 मेगावाट, कितना? 1000 मेगावाट। अब देखिए कोटेश्वर, कोटेश्वर, कोटेश्वर जो दिया हुआ, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र है, ये कितना जल को इकट्ठी है, देखे मतलब जितना ये कुछ बराबर हो कि नीचे बताओ, तो ये उत्पन्न करता है 400 मेगावाट, 400 मेगावाट, कितना वाट? 400 मेगा। टिहरी पंप स्टोरेज अगला है, तीसरा, टिहरी पंप स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र, कितना विद्यार्थी है? 1000 मेगावाट। अगर थोड़ा लोग पूछ दे टिहरी बांध परियोजना से आप क्या समझते, टिहरी बांध परियोजना का वर्णन कीजिए, इसी तरह प्रश्न देगा, टिहरी बांध के पूरे परियोजना का स्पष्टीकरण कीजिए, तो सारा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, कौन थोड़ी कितना दे लिया ना, चला याद करा। टिहरी बांध परियोजना का संबंध मुख्य रूप से कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ से? उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना का संबंध कहाँ से? उत्तराखंड में। अब किस जिले में? तो टिहरी जिले में। किस जिले में? टिहरी जिला में। किन नदियों के संगम पे? संगम का मतलब होता है जहाँ पे कई चीजों का आपस में मिलन हो, तो मुख्य रूप से दो नदी आपस में जहाँ मिलती है उसी संगम पे इस बात को निर्मित किया गया, तो यह कौन सा नदियों का संगम है? तो भागीरथी के साथ साथ भिलंगना नदी, कौन सी नदी विद्यार्थी? भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पे यह बांध को क्या कर दिया गया है? बनाया गया। यह विश्व का कौथा सबसे बड़ा है, पांचवा, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का कौथा बड़ा, पांचवा, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कब इसको मतलब बनाना शुरू किया गया? तो 1994 में इसको बनाना शुरू किया गया, और 2006 में इसमें मतलब 2006 से बिजली का हम क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे। किसका उत्पादन करने लगे? बिजली का। महत्व मत देखेंगे, मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो जल विद्युत का निर्माण करेगा, यानी बिजली बनाने का काम करेगा। इसमें तीन प्रकार से बांधों का मतलब अलग अलग बिजली उत्पन्न होती है। टिहरी बांध एवं विद्युत जल संयंत्र में कितना बिजली होगा? 1000 मेगावाट। टिहरी बांध एवं जल विद्युत में कितना होगा? 1000 मेगावाट। कोटेश्वर बांध में कितना होगा? 400 मेगावाट। वही टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र में कितना होगा? 1000। मतलब ये जो संयंत्र है, बांध अलग अलग, इनमें कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, यही बातों को आपको कह रहा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए विद्यार्थी चलते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आपकी परियोजनाएं अंतिम कागार पे आ रही है, अब इसका जल्दी जल्दी हो जाएगा खात्मा, मिलेगा हम लोग को रोटी पूरी। ठीक है, रोटी पूरी की पूरी तरकारी। अगला देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन का नाम है, नागार्जुन फिल्म में हीरो, नागार्जुन सागर बांध परियोजना,
नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसके बारे में देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्य रूप से कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला? गुंटूर जिला, गुंटूर जिला में। तथा तेलंगाना के, तथा तेलंगाना के तलगुंडा जिला, तलगुंडा जिला में। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला तथा तेलंगाना के तलगुंडा जिले में यह बनाया गया। मुख्य रूप से किस नदी पे निर्मित है? तो यह मुख्य रूप से क्या है? कृष्णा नदी पे निर्मित है। कौन सी नदी पे बना हुआ भाई ये चीज? कृष्णा नदी। कौन से नदी पे निर्मित है? कृष्णा नदी पे निर्मित। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। इसका महत्व कितना मेगावाट बिजली को उत्पन्न करता है? महत्व देखेंगे, यानी बिजली का कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करता है। तो 815.6 मेगावाट, 815.6 मेगा। ठीक है, 6 को भूल जाइएगा, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। ये दिए मुठी ले, बहुत आसान है, देख लो एक बार ध्यान से याद हो जी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है? गुंटूर जिला। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? गुंटूर जिला। वहीं तेलंगाना का कौन सा जिला? तलगोंडा जिला। तेलंगाना का कौन सा जिला? तलगोंडा जिला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले, वहीं तेलंगाना के तलगोंडा जिले में यह निर्मित की गई है। और मुख्य रूप से दो जिले हैं, लेकिन उनका तो एक जगह तो कहीं देखते हैं, जैसे कि गाजीपुर जिला समाप्त होता है तो मऊ शुरू हो जाता है, तो एक बॉर्डर होगा ना, कि दोनों को बॉर्डर जगह है वहीं पे इसको निर्मित किया गया। और कौनी नदी पर हो? कृष्णा नदी। किस नदी पे? कृष्णा, कृष्ण भगवान अलग ना, कृष्णा नदी है, ठीक है, उतना नाम अलग से ना। कृष्णा नदी पे कितना बिजली उत्पादन करी? 815.6 मेगावाट। ताई दशमलव से कौन मतलब ना, कितना मेगावाट? 815 मेगावाट। कितना मेगावाट विद्यार्थी? 815 मेगावाट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश के कौन कौन? गुंटी जिला, तेलंगाना के तलगोंडा जिला, जहाँ पे इनका एग्जैक्ट मतलब मिला होता है, इन जो जिले का एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब जहाँ एक जगह मिलते हैं वहीं पे इसको निर्मित किया गया। कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी है। ठीक है, कितना उत्पन्न करता है मेगावाट बिजली? तो 815। अब लास्ट देखेंगे परियोजना, इसके बाद हो जाएगा आपका खत्म। आइए लास्ट हम लोग देखेंगे, छठा नंबर इम्पोर्टेंट भी है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है? नहर परियोजना, ये आपका लास्ट परियोजना होगा। इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहां से संबंधित है? राजस्थान। कहां पे यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो राजस्थान की परियोजना। क्या है? राजस्थान की परियोजना। राजस्थान की कैसी परियोजना? तो सिंचाई परियोजना। कैसी परियोजना? सिंचाई परियोजना। कैसी परियोजना विद्यार्थी? सिंचाई परियोजना। ठीक है, आगे देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना? नहर परियोजना। ठीक है, यह मुख्य रूप से जल आपूर्ति कहाँ होती है? इसका जल इकट्ठा कहाँ होता है? जल इकट्ठा, जल इकट्ठा कहाँ होगा? तो पोंग जलाशय। कौन सा जलाशय? पोंग जलाशय। कौन सा जलाशय विद्यार्थी? पोंग जलाशय में। कौन से जलाशय में? पोंग जलाशय में। इस नहर का उद्गम, उद्गम का मतलब निकलना, कहाँ से नहर निकल रही? हर व्यक्ति कहीं से ना कहीं से निकला हुआ है कि नहीं? तो मुख्य रूप सतलुज और ब्यास, सतलुज तथा ब्यास, सतलुज तथा ब्यास के संगम, संगम। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया आपका परियोजना खत्म। पहले याद करा ली तब हुई खत्म। नदी इंदिरा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। किस राज्य से? राजस्थान। यह राजस्थान में कैसी है? सिंचाई के लिए। किसके लिए उपयोग होती है? सिंचाई के लिए। विश्व की चौथी सबसे बड़ी नहर परियोजना है? प्रथम। विश्व की सबसे बड़ी नदी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसका जल कहाँ इकट्ठा होता है? कौन से जलाशय में? पोंग जलाशय में। पोंग जलाशय, जल इकट्ठा होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ से नदी निकली हुई है?
ये नहर कहां से निकला हुआ है, उद्गम कहां से हो, तो सतलुज तथा व्यास के संगम पे, सतलुज और व्यास के संगम से इस नहर का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। चलिए विद्यार्थी, तो जितना जलाशय, जितना हमने आपको परियोजनाएं बताएं, उस परियोजना को आप बेहतर से पढ़े रहिए, क्योंकि परीक्षा में इस परियोजनाओं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला इसका टॉपिक अगले दिन आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।